हमारे देश ने कुछ ऐसे खिलाड़ी भी शामिल किए हैं जिनके नाम से वो खेल आज जाना जाता है। और हमारे लखनऊ दूरदर्शन केंद्र के इस कार्यक्रम के लिए आज सौभाग्य की बात है कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर ध्यानचंद, जिनका खेल जगत में दद्दा के नाम से ही जाना जाता है। आज ये अपने कीमती संस्मरणों से हमें हॉकी के बारे में कुछ बताएंगे, और उसके साथ ही आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि आज के वर्तमान स्तर में जो हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम कमा रहे हैं खिलाड़ी, वो भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वे हैं अशोक कुमार, महबूब खान और असलम शेर खान, और इन सब के साथ बैठे हैं मेजर ध्यानचंद जी। दद्दा साहब, दद्दा कुछ बताइए आप, ये लोग तो अपनी बात बता रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या है, और आप लोगों को तो कभी प्रॉब्लम आई ही नहीं, आप तो बिल्कुल हम उस पर थे ही, उस हॉकी का जहाँ तक सवाल है। इन लोगों काफी प्रॉब्लम वो मतलब उस तरह की नहीं आई कि अब एक अभाव सा नहीं लगा कि क्या किया जाए जो हम कुछ कर बैठे हैं, वो वाली बात जी है। आप इस तरह की इसका मतलब ये है, यानी जो फॉरेन कंट्री जो हॉकी सीखी है इसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के जरिए सीखी है। मैंने देखा है वहाँ के हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर, जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविज़न वगैरह फोटोग्राफ्स वगैरह ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों के बीच ज़रा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फ़ोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज़ लड़कों को सिखलाने के लिए खींच लेते थे, और वो फोटोज़ स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया फिर ये देखा स्क्रीन के अंदर, बच्चों को वो टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे, और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है, और ये सिर इधर है, बाल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है, फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं बजाय हिट मारने के, अभी ड्रिबलिंग भी शुरू कर दिया उन लोगों ने। काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स उनके, और ऑस्ट्रेलिया टीम तो इसमें शक नहीं है कि सीखा हम लोगों से है, और इसमें हमारे लोगों की, हमारे हिंदुस्तान की अभी तक वो कंट्री तारीफ करती है कि हाँ हिंदुस्तान जो खेलती है हॉकी वो हिंदुस्तान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता।